So hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. It's about Arshad Seth and you are watching Arshad Vlogs. So guys, जैसे आपने देखा कल हमने ईद सेलिब्रेट किया अपने सब भाइयों के साथ, फैमिली के साथ. बहुत मुश्किल से, बहुत दूर से आए, शॉपिंग वोपिंग खत्म करके. काफी सारे इवेंट्स है आने वाले दिनों में जो आपको मेरे वीडियोस में पता चल जाएंगे मोस्टली. तो आज क्या है ना, अभी हम लोग जाएंगे बाहर, थोड़ा ग्रूमिंग वूमिंग करेंगे फिर से, क्योंकि थोड़ा ग्रूमिंग भी करना है और थोड़ा डिटेनिंग भी करना है, क्योंकि बाहर मतलब कुवैत के धूप और मुंबई के धूप दोनों ने मिलकर हालत खराब कर रखी. तो थोड़ा डिटेनिंग करना है और थोड़ा हेयर कट वेयरकट भी करना है. तो आज हम लोग चलते हैं हो जाए के बेस्ट हेयर स्टूडियो में. लेट्स गो. यू स्टूड आउट cuz यू वर इन रेड अगेंस्ट माय इंटेंशंस आई लेट यू टर्न मी वायलेट इंस्टेड समर आई मेट यू इन ऑगस्ट न्यूयॉर्क बैक टू माय कोल्ड अपार्टमेंट. बॉस हो जाए में ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस नहीं किया. मैं यहाँ आ तो गया था, एथेनियन करके कुछ स्टूडियो दिख रहा है मुझे जो मैंने काफी नाम सुना है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का बहुत इश्यू. ये तो ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग है और हो जाए में पार्किंग का प्रॉब्लम कब से होने लगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता. तो लेट्स फोकस ऑन पार्किंग. मैंने यहाँ पे एथेनिया पे आके दो चीज चूज किया है, एक है नॉर्मल हेयर कट और ग्रूमिंग जो है, और उसके बाद है डिटेनिंग. टैन बहुत हो चुका हूँ. सो लेट्स सी. सो हे व्हाट्स अप, ये देख सकते हो माय हेयर कट इज डन एंड नाउ आई एम गोना गो फॉर ग्रूमिंग. जो बियर्ड है वगैरह उसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करना बाकी है और बाकी हेयर कट तो हो गया. दिस इज द आफ्टर लुक दैट आई एम हैविंग नाउ. और बिफोर तो आपको पता ही है क्योंकि व्लॉग तो स्टार्ट आप ही लोगों के साथ किया है. अगर आपको बिफोर देखना है ना तो रिवाइंड करो और पीछे फिर से देखो. ये आफ्टर हेयर कट लुक है, यू गाइस कैन सी नाइसली. सो नाउ आई थिंक थोड़ा बियर्ड भी जरूरी है. लेट्स गो. So finally I'm done with my haircut and beards and grooming, everything. Har ek cheez khatam ho chuki, haircut, beard, everything's done. And this is the after look that I've gained here. Jo after look mujhe mila yahi hai. Ab dekh sakte ho bilkul samne. Aur before to aapko pata hi hai kaisa tha. So finally one step, I think two steps are done. The third step, which is detailing, which is still pending. So let's go with the detailing. And you can see, you guys, ye hai after look. Thanks to the brother jinhone ye look diya hai. Thanks a lot. To abhi जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में. लेट्स गो. सो मैं अभी यहाँ पे आया था एथेनियन पे एंड आई थिंक एथेनियन इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टूडियो इन होजाई. और ये है लोकेटेड बिल्कुल जय मेन रोड पे. मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा ना, बाकी गूगल मैप्स तो यही है भाई, कर लो. ये मैं आपको एक स्नीक पिक देता हूँ ना हाउ इट लुक्स एथेनियन. सो दिस इज द लुक दैट दे हैव हियर एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम हियर. तो मैं उतना कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, बस मैं अपना ही निकाल लूँ, बस वही बढ़िया है. ठीक है, चलो चलते अगले स्टेप पे, चलते थर्ड प्रोसेस. फर्स्ट तो था हेयर कट, सेकंड हो गया ये बियर्ड्स और थर्ड हो गया डी टैन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी मेरे आने वाले दिनों में काफी सारे इवेंट्स हैं जो इवेंट्स मुझे फुलफिल करना पड़ेंगे. तो लेट्स कंप्लीट दिस स्टेप. सो गाइस ये देख सकते हो डी टैनिंग प्रोसेस चालू है और बहुत ही भयानक लग रहा है. एक चीज है ना यार, बहुत जल रहा है, मतलब जहां जहां सनबर्न है. तो ये ब्यूटिशियन आए थे तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे आपका सनबर्न है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ तो बोला, मुझे समझ में नहीं है, लेकिन बर्न हो रहा है नेक्स्ट लेवल का, खतरनाक बर्न हो रहा है. पता नहीं रिजल्ट क्या ही आएगा. ओ माय गॉड. सो गाइस ये देख सकते हो ये ब्यूटिशियन रूम और ये है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो यूज किए गए हैं. सो मुझे पता नहीं कैसे प्रोडक्ट्स है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन पे बता देना. बाकी ये देख सकते हो मेरे साथ क्या हो रखा है. सो माय डिटेनिंग इज डन, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिटेनिंग खत्म हो गया. और डिटेनिंग करने के बाद क्या रिजल्ट है मुझे तो ठीक है, कुछ तो होगा, पता नहीं. वैसे मैं ये सब करता नहीं हूँ, डिटेनिंग वगैरह, फेशियल वगैरह, बट देन इट्स ओके, आज कर लिया हूँ. लेट्स सी क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा अच्छा. अभी सब खत्म हो रखा है, चलते हैं यहाँ से. अ बिग किस टू यू गाइस. हेयर कट हियर इज वेरी रीजनेबल. हेयर कट और बियर्ड के साथ आई थिंक इट्स 350 अराउंड और डिटेनिंग इज 500. सो इट्स वर्थ ए विजिट. सो यार गाइस फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ इसका लोकेशन. ये सिलेक्शन बाजार जो है उसके सामने मैंने अपना गाड़ी बिल्कुल यहीं पे पार्क कर दिया. और ये देख सकते हो ये ऊपर है यहाँ पे और मैंने ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया. तो कोई ना, चलते हो जाए, ये क्राउड थोड़ा कम है, जल्दी से भागते.
तो फाइनली आके पहुंच चुका हूँ घर. As you guys can see, ये आ चुका हूँ और काफी इवेंट्स है जैसे मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ. तो बाकी सारे इवेंट्स के लिए मैं अंदर दिखाता हूँ कैसे अरेंजमेंट हो रहा है. As you guys can see, ये है पूरा अरेंजमेंट स्पॉट और वो है अपना घर, द थर्ड वन, आई मीन द फर्स्ट वन फ्रॉम दैट साइड. और क्या, बस जल्दी से जाता हूँ, नहा धो के फ्रेश होता हूँ. और डिटेनिंग का तब तो पता नहीं चल रहा था लाइट में, लेकिन जो नेचुरल लाइट है ना उसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट फील हो रहा है. और बाकी हेयर कट एंड ऑल एवरीथिंग वॉज रीजनेबल. जो हेयर कट था वो हेयर कट एंड बियर्ड हेयर कट सब कुछ 350 में हो गया था और बाकी ये 500 में हुआ है अपना डिटेनिंग. टोटल गए 850 वर्थ दी आई गेस. सो फाइनली गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. तो बेसिकली यही है, हेयर कट, टिटेनिंग, शेविंग, ग्रूमिंग, हर एक चीज. टोटल बिल है 850. इट्स वर्थ इट मेरे हिसाब से, ठीक ही है. और बाकी यार वो प्रोफेशनलिज्म का ही मेन पैसा है. वो अच्छा सा हेयर स्टाइलिस्ट, ही वॉज अ गुड गाय, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली उसने काटा, अच्छा लगा. और बाकी यही है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा. देखो यार, ईद का मौसम था, ईद विच सेलिब्रेट करके अभी सब लोग सो रहे, तो मैं मस्त गया हेयर कटिंग वटिंग कर, काम कम्प्लीट करके आया. अभी हूँ घर पे, थोड़ा रेस्ट लूंगा अभी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले. स्टे ट्यून्ड.